फरीदाबाद में पुलिस ने एक होटल में रेड की और देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश कर दिया। फरीदाबाद में पुलिस ने कमेटी की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बाटा रोड पर स्थित एक होटल में छापेमारी कर 15 युवतियों समेत कुल 44 लोगों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक उन्हें गुप्त सूचना मिली थी और उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। दरअसल पुलिस ने होटल में फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा था और जैसे ही मौका लगा तो पुलिस ने होटल में रेड कर दी और जब छापा मारा तो वहाँ देह व्यापार का धंधा चल रहा था और काफी गलत काम किए जा रहे थे, साथ ही अवैध रूप से शराब का सेवन भी किया जा रहा था। ये हमें करीबन रात 10 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 30-40 युवक और युवतियाँ एक यहाँ पे अपने होटल है दी अर्बन करके, उसके अंदर विदाउट मतलब परमिशन के और वहाँ पे कई सारे गैरकानूनी काम चल रहे हैं, तो उसी के आधार पे हम वहाँ पे जाके रेड की थी और उसी के आधार पे हमने पर्चा दर्ज किया है। ये टोटल 15 लोग हैं, फीमेल हैं और इसमें हैं अपने 29 मेल हैं। मामले में जानकारी देते हुए SHO अर्जुन राठी ने बताया कि होटल में कमेटी की पार्टी चल रही थी जिसमें NCR से इन युवतियों को बुलाया गया था। इसमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की रहने वाली कई युवतियां शामिल हैं। हाँ, इसमें कोई ईश नाम का एक आदमी था कि उसने बोला था, उसने अपनी लॉटरी कर रखी थी यहाँ, जैसे अपनी कमेटी वगैरह डालते हैं तो उस चीज़ की पार्टी कर रखी थी वहाँ पर। हाँ, बुलाई हैं, अभी उसकी पूरी तहकीकात चल रही है। कोई भी हमारे एरिया में कोई भी गैरकानूनी काम होगा तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो जरूर एक्ट करेंगे उसके। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी से पूछताछ की जा रही है और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से अनिल राठी की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।